5 लाख मेरे को बहुत प्यारा कॉम्बो लगता है। हाँ एलोए की कमी है थोड़ी सी इसमें, बट लेकिन गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है भाई। दरवाजे एक ही नंबर, लाओ इंटीरियर होगा देखने वाला। तो तुम्हें दिखाता हूँ इंटीरियर बेसिक। तुम्हें एक बार पहले मैंने एक वीडियो में दिखाया था, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज सैटरडे एंड अभी अभी हम उठे हैं और थैंक यू बट्टी, बट्टी दिल का साफ है वैसे जैसा भी हरामी आदमी है लेकिन बट्टी दिल का साफ है। बट अभी हम जा रहे हैं गाड़ी देखने, और देखने जा रहे हैं क्या, अब तो ले भी आए। कौन सी गाड़ी दिखा रहे भाई? रैंगलर देख के आएंगे। डीलरशिप पे काम करता है था कहना की डीलरशिप है खुद की। अभी देखते हैं आज रैंगलर देख के आते हैं, देखते हैं कौन सी गाड़ी खड़ी होती है वैसे, क्योंकि हम लेट हो गए और एक ही डीलरशिप खुली है इस टाइम 6:30 होगी शाम की। अब उठे हम, लेट्स गो। तो भाई अब आ गए हम स्काईलाइन ऑटो, कोई प्रमोशन नहीं है नाम हटा देते हैं। अगर गाड़ी अच्छी मिलेगी और अच्छा डिस्काउंट मिलेगा तो कर देंगे, बट गाड़ियाँ यहाँ पे देखते हैं कौन सी अपने, मतलब की मस्टैंग तो दिख रही है और बाकी अपने को तो रैंगलर उंगलर देखनी है। कल हमने देखी हुई है ऑनलाइन, मे बी वो खड़ी रैंगलर, देखते हैं इसकी। भाई ये दिख रही है अपनी रैंगलर, कलर बहुत प्यारा है सहारा और ऊपर से एलोए स्टॉक है, देखते हैं ड्राइव करके। भाई ये भी खुल जाएगी ना सारी, 4x4 ही होगी कार, दरवाजे दरूजे खुल जाएंगे ना। हाँ खुल जाने चाहिए। भाई चाबी लेके आ रहा है, इतने तुम्हें बाकी दिखाते हैं। बलार ये भी अच्छी है, रेंज रोवर की भी ले सकते हैं टेस्ट ड्राइव। तो 63 साथ में एक ड्रोंगो खड़ी है वो भी देख लेते हैं। आ जाओ भाई, भाई एक और बीमर तो नहीं लेनी? 52 की है भाई, नहीं लेंगे सर। 21 है, कौन सी है? वही अपनी वाली, तेरे वाली है सेम ओल है। 2021 बीमर की भी चीज है, बट फिर सेम सिर्फ ईयर डिफरेंस मतलब ज्यादा है। मेरी 2020 है, 2021 है। तेरे कितने ही है वो चली हुई किलोमीटर? मेरी 26 चली है। 26 ड्रोंगो आरटी ये भी अच्छी है। यार ड्रोंगो तो अपर चलाते ही रहते हैं, बस आरटी नहीं चलाई तो आरटी देख सकते हैं चला के, ये भी अच्छी है भाई। 56 बलार ना, इन तीनों में से कौन सी भाई? ये वाली, अपने का मन तो एसयूवी का इस बार। सो बट एक बार रैंगलर की टेस्ट आई जाता हूँ मैं, खुद चला के देखें। ओ भाई ये तो चीज है भाई, चलो और तो कोई नहीं है ना, इनके पास ऐसी हुई टोटल लॉस, टोटल लॉस। ये अच्छा है ना, कलर अच्छा है इसका, क्या कहते थे इसको, वो आता था ना इसमें फोन आता था इस कलर का, रोज गोल्ड, शैंपेन गोल्ड लगे, रोज गोल्ड 6S आता था, 6 आता था। तो भाई बताओ तुमको तीनों में से सबसे अच्छी कौन सी लग रही है? एक रैंगलर, एक अपनी रेंज ओवर बलार, बलार छोड़ो रेंज ओवर देखो सिर्फ, बलार नहीं तो स्पोर्ट्स तो हो ही सकती है, बट तुम रेंज देखो और फिर ड्रोंगो आरटी। बड़े वाइट कलर में तुम्हें खास नहीं लग रही, क्योंकि फैसिनेटिंग सी, इससे प्यारे प्यारे कलर देखे हैं मैंने इसके ऑनलाइन, या सर्च तो चली रही है। बाकी ये भी बहुत प्यारी है, बट अभी आप रैंगलर देखने आए हैं तो रैंगलर की कोई टेस्ट ड्राइव लेते हैं, पता करें, फिर उसके बाद और जगहों पे जाके और देख लेंगे अगर रैंगलर नहीं जची तो। बट क्योंकि रैंगलर मेरे को ना इतनी फैसिनेटिंग नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि एक बारी मैं ट्राई कर लूँ तो मेरे को उसकी कमियाँ पता लग जाएँ और बेनिफिट्स पता लग जाए, फिर देखेंगे। बाकी तुम कमेंट्स में बताते रहना, लेट्स सी। ले ओ भाई गाड़ी खोल दिया भाई ने, तो मैं दिखाता हूँ इंटीरियर बेसिक। तुम्हें एक बार पहले मैंने एक वीडियो में दिखाया था, ध्यान दिया हो तुमने तो, बाकी इसके सीखने भी पड़ेंगे मोड्स वगैरह। अभी 4x4 कैसे डलना है, हमने चलाई है सिर्फ रियर व्हील ड्राइव्स। सीटें भाई बहुत ही अनकंफर्टेबल है ना दिखने में, हाँ ये समझ सकते हो कि मैं इसकी कमियां निकालने आया हूँ आज अपने दिमाग में, क्योंकि मतलब सिर्फ गाड़ी में सिर्फ वो ऑफ रोडिंग वाला मजा है, और यहाँ पर कितनी ऑफ रोडिंग कर लेंगे। पर 2-door है कोई? नहीं नहीं 4-door है, पीछे से क्यों नहीं आ रहे? चलो टेस्ट ड्राइव करें। कन्वर्टेबल है भाई, हाँ ये है कन्वर्टेबल वाला सुख होगा इसमें, तो खोल खुल के बढ़िया चिल सीन ऐसे बोल लेगा कौन। थैंक यू, चलो
85 चली गया भाई। हां जी किलोमीटर आई है। कितने के है? 52.89। नंबर प्लेट लगा दी ना पर डोमेन में। ਇਹ ਫੀਚਰ ਫੂਚਰ ਦੱਸਿਓ ਇਹਦੇ ਇਧਰ ਲੈਫਟ ਜਾਓ। ਉਹ ਫੀਚਰ ਵੀ ਬੈਕਅਪ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀਪ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਆਫ ਰੋਡ ਇਹਦਾ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੱਸਿਓ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੋਡ ਉਸੇ ਪੇ ਦੌੜ ਜੇ ਜਿਆਦਾ ਆਫ ਰੋਡ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਆ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਓਕੇ ਜੋਸੇਵਨ ਰਾਣਾ ਗਟਰਸ 604 618 3800 दरवाजे खुल जाते हैं और सेफ है भाई अपने आप ही खुलते खोलने उड़ते इतना ओ भाई तेरा कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है बट्टी साइड में बैठेगा पैसे नहीं जैसे बढ़िया पीछे वाले से पूछना था करूं करूं भाई पीछे मस्टैंग में बैठ के ज्यादा कंफर्टेबल लगता था कि वो भी दिखा देना था फ्रॉम दिस टू दैट। हां भाई ये भी देख लो पास्ट भाई मैं ना सहता बट्टी। ओ माय गॉड इसकी कोई रीस नहीं है बाकी वो डन हो चुकी है अपनी रैंगलर की टेस्ट ड्राइव। ठीक है रिव्यू कलर का कोई तो होड़ नहीं है बाकी तो गाड़ी ठीक है चलाने में थोड़ी सी कंफर्टेबल थोड़ी सी अनकंफर्टेबल बट ठीक है गाड़ी तो कैसा था रिव्यू बट्टी भाई क्या था खड़ 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 वेरी नाइस कार वेरी सॉलिड नाइस। तो भाई अब एक इसका इसकी टेस्ट ड्राइव दिलवा रहे हैं BMW X5 की 2017 है देखते हैं एक बार ट्राई करके कैसी है क्योंकि मेरा मन SUV है तो एक बार मैंने कहा SUV में जो जो ऑप्शन है होंडा भी है तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी मेरे को भी लगेगी जस्ट किडिंग। तो अब आप एक बार X5 की देखते हैं चला के बट ये आम पैकेज नहीं है नॉर्मल है सो एक बार ड्राइव करने में तो क्या ही जाता है देखते हैं जो बाकी विमर आप चलाते हैं फाइव सीटर और सेवन सीटर में कितना फर्क है ड्राइव का एक बार पता लग जाएगा हाथ खुल जाएगा देन फिर देखते हैं। पर उसकी तो वही थी थोड़ी सी ना खड़खड़ मतलब इतना ऐसे फैसिनेटिंग नहीं लगी वो कि हाँ भाई मैं रुक कर से अपग्रेड जैसा फीस ज़्यादा ना होता और फिर उसके अलावा कुछ डिफरेंट भी हो अमेरिकन तो अमेरिकन हो ही गया जर्मन भी हो इस बार तो मेरा मन थोड़ा जर्मन की तरफ ज़्यादा है इस बार क्योंकि जर्मन मैं चला रहा हूँ पीछे तो मेरे को काफ़ी ना ऐसे फैसिनेटिंग ज़्यादा लग रही है बाकी देखते हैं नो जो अच्छी डील मिलेगी और अच्छी गाड़ी जचेगी वो ले लेंगे क्या ही है सब गाड़ियाँ सब अच्छी चलती हैं सब अच्छी दिखती हैं ये लोगों का पैसा है। चलो भाई लेट्स सी आ जाओ इंटीरियर चेक करो इसका मतलब बीमर का तो देखने वाली चीज़ इंटीरियर है बढ़िया वुडन भाई इसकी स्क्रीन देखें आओ नाइस प्यारा इंटीरियर अच्छा ना काफी सॉफ्ट है इंजन लाइट आ रही है भाई वो मे भी काफी टाइम बस स्टार्ट किया वो रीसेट हो जाएगी। ओके दिस इज नॉर्मल बैक नॉर्मल बैक ओके चलो
जीप भाई में से जो भी लेके बंदा लेके गया 6 महीने बाद दुखी होके देखेगा बिकॉज जीप लाइक आई डोंट नो अबाउट यू गाइस जीप इज गुड इफ इट्स अ सेकंड व्हीकल कैन ड्राइव दैट एवरी डे हमारे उसने पैकेज डलवा रखा मैंने ही डलवाया महात्मा गांधी ढूंढो हाँ इधर अगली साइड था देख भाई वही था स्टार्टिंग जी आजकल तो पार्ले के साथ भी जी लगता है ये तो फिर भी महात्मा है आप तो फिर भी डॉक्टर है मानव जी मानव जी ये तो भाई जी की बेइज्जती है आदि मानव जी ये दिखाओ ये है ना अब आया मैं भाई भाग क्यों नहीं रही अब देखते हैं जी लग रहा भाई डैश और जो अपनी 2018 एंड अबव होंगी उस पे कितने टाइम का लोन आ जाएगा कितने इयर्स का जो 2018 प्लस होंगी उन पे 2018 पे होगा 72 मंथ्स का 72 मतलब 6 हां 2019 पे होगा 84 का 2019 टू 2022 6 का आ गया एंड जो बलार खड़ी है वो कितना ईयर है 2021 है ना वो 2021 है दैट्स रियली नेक्स्ट वीक वो डीजल तो नहीं है नहीं नहीं गैस सही सही बाकी कैसी है इट्स ऑलराइट आई मीन यस कास्टिंग उसका कितना है Selling या asking? 68 नहीं नहीं उसका asking है लगा लो उसमें कर दूँगा कुछ ना कुछ ओके वो 68 89 के 68 63 सही लिखा हुआ था 63 लिखा था 63 हो गया मेरे याद नहीं है बिलान मेरे को लगा 68 की है जितने की भी लिखी हुई है बस वही वही लगा हुआ है तो इनके ऊपर आगे कुछ वो मिलता है मतलब कुछ एक्सटेंडेड वारंटी जो इंक्लूडेड चीजें कुछ इसके बाद नहीं जैसे वेलार है उस पे तो इंक्लूडेड ही एक्सटेंडेड वारंटी है ना क्योंकि वो 2021 है ओके 2023-24 तक होगी उस पे तो लोन भी लंबा 2025 हां उस पे 7 साल का लोन हो जाएगा जो ये है इसमें आपको खरीदनी पड़ेगी वारंटी इसमें नहीं होगी ओके एंड उसमें क्या कहते हैं मतलब और किसके बाद जो अपना अमाउंट है उसके बाद कुछ इंक्लूडेड है स्टोर की तरफ से चीजें ये सब बस ये गाड़ी उस गाड़ी है okay. और क्या जो आप कहोगे वो कर देंगे इंक्लूड फिर okay. उतना ही डिस्काउंट कम हो जाएगा ओके ओके एट द एंड हमने भी थोड़ा कमाना ही है कमाना है मैं ऐसे बटरी नहीं करता बट जो है वो है यार कमा दिया थैंक्स शॉप ड्राइव तो अच्छी आई इनमें की तो मजा है जाता एम चाहिए था बस एम का वैसा था मजा वो स्टेर
सस्ता हो जाएगा 1000 800 का, क्योंकि एज इन एम पैकेज में कोई फर्क नहीं होता इतना. इट्स जस्ट द स्टीयरिंग व्हील एंड यू नो कपल ऑफ, बट दिस वन ऑलरेडी हैज एवरीथिंग. थोड़ा सा मेरे को ज्यादा लगा वैसे. तो आइए चेक करो बलार. अब देखते हैं इसका इंटीरियर होगा देखने लायक. इसको चला के देखते हैं क्या फील आती है. रेंज चलाई भी नहीं और ऊपर से रेंज से बाहर भी दिया आज तक. क्या पता आज रेंज के अंदर आ जाए. चलो लेट्स सी. बलार बहुत ही प्यारी चीज़ है. तो कलर अच्छा लगा मेरे को. मतलब वैसे तो ब्लैक का अलग ही चाय है, बट वाइट ब्लैक भी अलग ही है. वाइट ब्लैक मेरे को बहुत प्यारा कॉम्बो लगता है. हाँ एलोए की कमी है थोड़ी सी इसमें, बट लेकिन गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है. भाई दरवाजे एक ही नंबर. लो इंटीरियर होगा देखने वाला. को शांति से देखो आराम से. ओ भाई साहब भाई कनव ये तो चीज है भाई. जेन्युइनली चीज है ब्रो. भाई साहब तो समझते मेरा 6 महीने निकल जाएंगे. मेरे को लग रहा है कि जो जो फीचर होंगे इसमें स्पोर्ट में डाल दे. कंफर्ट बाद में देखें. कंफर्ट तो दिख रहा है. स्पोर्ट्स में कैसे डलेगी जान दूंगा. हम पहले चला तो सही. स्पोर्ट्स नाइस. इसकी ड्राइव देते हैं भाई. ये लग ये पैडल ये वाला बटन बंद कर हिल असिस्ट. हिल असिस्ट इसको हम ओके. इसका क्या काम है? हिल असिस्ट होता. नीचे जाते जाते अपना ब्रेकिंग होती है. पैडल शिफ्ट वाली है ये. पैडल शिफ्ट हो गया. ये आर डायनेमिक पैकेज है. इट हैज एवरीथिंग. V4 है ना ये. ये मेरे को लगता है 6 सिलेंडर है. जहां तक सिक्स है मैं देख देता हूं. मेरे को पता नहीं स्पेलिंग की वाली हो गया. ये टाइप भी गलती हो सकता है. राइस में तो गलत नहीं होगा ना. नहीं नहीं गलत हो सकता. ये हम ही बनाए हैं. ये तो गलत है. ये तो दिल तोड़ने वाली बात है. आपको कौन सी चाहिए? इस पे मन बैठ रहा है. अच्छी लग रही है. नहीं, इस प्राइस में आपको कौन सी चाहिए? अच्छा नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं. बता चाहिए चार चाहिए. छियों की चाहिए. 6 चलेगी. 4 होगी. 4 8 होगी. 8 चेक कर लेता हूं. अब करना पड़ रहा है ना डायनामिक में. दूसरे गियर में 70 भी रुकी. V4 ही है पक्का.
है, स्पोर्ट ही नहीं आया मेरा तो स्पोर्ट्स इससे ज्यादा तेज है। मतलब कौन सी स्पोर्ट्स? रेंज रोवर स्पोर्ट्स। ये जो रेंज रोवर है ना, ये कंफर्ट की तरफ ज्यादा है, जो इनमें स्पोर्ट ही आती है वो SVR होती है, जो SVR दैट्स स्पोर्टी, बट दैट्स 150,000 to 180,000 dollars। हमारा दोस्त मानव की तबीयत बहुत खराब है। नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं, मजे ले गाड़ी लेनी है, जेन्युइनली GoFundMe करते हैं, गाड़ी लेनी है सब नीचे जाके करोड़ों में। बहुत जेन्युइनली भाई मजा आ गया ट्रेन चलाने का, जो मजा आया जेन्युइन एक नंबर एक नंबर। तो ये अब मेरी इन तीनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी है, इन तीनों में से जो यहाँ गाड़ियाँ हैं, बाकी देखते हैं। तो भाई बहुत बढ़िया रही टेस्ट ड्राइव, बट अभी काम आ गया, जल्दी से जल्दी भागना पड़ेगा क्योंकि उनको भी पता था हम नहीं लेने वाले। तो भगवान यार जल्दी निकलो बेटे, तुम्हें भागना देता हूँ। नहीं देखने आए थे टेस्ट ड्राइव, रैंगलर की लेनी थी, बाकी जो दो गाड़ियाँ थी विमर की सही थी, बट पुराना मॉडल था थोड़ा, और ऊपर से वो भी था एम सीरीज भी नहीं रही, तो इतनी ज़्यादा जेन्युइन नहीं लगी मेरे को आगे। बट लेकिन भाई बलार चुम्मा क्यों कहना, बलार में मजा आया, मजा आ गया भाई, दोबारा जाया करेंगे। दोबारा जाया करेंगे देखने और पे देखेंगे कि ड्राइव दिलवा दो हमें, हम हफ्ता ऐसे ड्राइव ले लेके देखें, हमें अच्छा लगेगा, देखते हैं फिर सोचेंगे। मैं काम पे जाता हुआ कोबाल्ट ड्राइव करता हुआ सोचूं कि बलार लूं कि बीमर लूं। क्या लेंगे दोबारा बोल, नहीं नहीं लेंगे दोबारा बोल, वैसे दोबारा बोल नहीं नहीं लेंगे 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 यस वेलार लेंगे, देखते हैं क्या लेंगे, बट लेंगे कुछ तो अच्छा ही लेंगे, नहीं पैसे पैसे। चलो चलते हैं, काम पे बहुत लेट हो रहे हैं, बट ठीक है मजा आ गया, काम मिल गया, काम एकदम ऐसे आया राइड अवे राइड अवे। तो ये काम पे पहुंच चुके हैं, एंड अप कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट कह लो, लंच कह लो, डिनर कह लो, जो भी, बट अभी तो ये कर रहे हैं। एंड तुम बताना कमेंट करके तुम्हें कौन सी सबसे बेस्ट लगी, एंड यही तीन ऑप्शन नहीं है, और भी ऑप्शंस हैं, बट रैंगलर तो मेरा एक ऑप्शन मेरे को लग रहा है कि मैंने हटा ही दिया है, क्योंकि मेरे को बहुत मतलब लीस्ट अट्रैक्टिव और लीस्ट वो लगी कि यार लीस्ट मतलब फैसिनेटिंग, यार ये हो होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, ऐसे बता बात है उसका, तो सेकेंड कार ज़्यादा बेटर है वो, तो रैंगलर मेरे दिमाग में ऑप्शन बहुत 1% पे है, बाकी देखते हैं। ये दो ऑप्शन है, एक दो और ऑप्शन देखेंगे, अभी जल्दी तो है नहीं कोई, आराम से, वरना Chevrolet Cobalt तो है ही। जस्ट किडिंग। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, लाइक से सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड तुम बताओ कौन सी तुम्हें सबसे बेस्ट लगी, एंड फिर और वीडियोज आएंगे ऐसी ऐसी, अभी देखेंगे डिसाइड करेंगे, यूट्यूबर है हम, थोड़ा तो लंबा खींचेंगे ना गाड़ी डिलीवरी को, इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे। जस्ट किडिंग, ऐसा भी नहीं है, बट लेकिन मैं चाहता नहीं कि इतनी जल्दीबाजी में कोई ऐसी गाड़ी आए, तो थोड़ा सोच समझ के। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल।